सब्सक्राइब करें हमारे YouTube यूनिक एजुकेशन चैनल को और इस YouTube के बेल आइकन में क्लिक करें और ऑल नोटिस में क्लिक करें और ऐसी टेक्नोलॉजी वीडियो देख लेंगे सबसे पहले। थैंक यू फ्रेंड। हेलो दोस्तों, मेरा नाम कमल कुमार और आप देख रहे हैं यूनिक एजुकेशन चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे हाउ टू सिक्योर स्मार्टफोन इन 2021। कैसे आप स्मार्टफोन को अपने सुरक्षित रख सकते हैं 2021 में। तो इसको वीडियो को पूरा देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और नीचे कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को पूरा वॉच करें, तभी आपको ये पूरी जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि वरना आप मिस कर देंगे, पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो पूरी जानकारी आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है फ्रेंड, तो इस वीडियो क्योंकि आजकल हम तो जो कोरोना वायरस चल रहा है, हम तो अपने आप को मास्क लगा के बचा ही ले वो कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में हम अपने आते हैं कि हम अपने फ़ोन को कैसे सुरक्षित रखें। तो फ़ोन को सुरक्षित रखने के लिए आपको मोस्ट रिकमेंडेड 10 टिप्स हैं जिसको आप फॉलो करेंगे तो आपका फ़ोन सुरक्षित है, बिल्कुल हैक नहीं हो सकता। क्योंकि आजकल जो हैकर हैं अलग अलग तरीके से एजेंडे अपना रहे हैं कि डेटा चुरा लेते हैं, किसी का फेसबुक हैक कर लेते हैं, किसी अकाउंट जीमेल अकाउंट हैक कर लेते हैं। तो उस वीडियो को पूरा ये वॉच करें, आपकी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो फ्रेंड हम लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं फ्रेंड। तो सबसे नंबर वन फर्स्ट स्टेप है, पहले टिप से थर्ड पार्टी ऐप। थर्ड पार्टी ऐप से आजकल लोग हैं थर्ड पार्टी ऐप बहुत लोग डाउनलोड कर लेते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है आपको परमिशन मांगता है और आप उसकी परमिशन दे देते हैं। ऐसे क्या होता है आपका डेटा तो उड़ा लेते हैं और आपका अकाउंट ईजिली हैक कर सकता है। क्योंकि जो हैकर हैं वो ईजिली आपका अकाउंट पूरा ईजिली कंट्रोल कर सकते हैं आपके मोबाइल को। तो मोस्ट रिकमेंडेड अवॉइड थर्ड पार्टी एप्लीकेशन नॉट डाउनलोड। ओके फ्रेंड, टू थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड ना करें। अगर आपको एप्लीकेशन डाउनलोड ही करनी है तो आप, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, ये वहाँ से अच्छी बात है। अगर कोई भी अगर ऐप आपसे परमिशन मांगता है माइक्रोफोन कॉल से ये हाँ कैलरी, क्योंकि क्यों कोई एप्लीकेशन परमिशन मांगे, क्योंकि तो परमिशन मांगते हैं इसका कोई यूज ही नहीं है, तो परमिशन किस बात की। तो आप मोस्ट रिकमेंड करूँगा कि आप परमिशन ना दें, ऐसे ऐप्स को अनइंस्टॉल कर दें फ्रेंड। नेक्स्ट टिप है अननोन रिसोर्सेज। अननोन रिसोर्सेज से आजकल हम क्या होते हैं, हर लड़के या लड़की जो भी हैं वो अपने अननोन रिसोर्सेज को ओपन रखते हैं, अननोन रिसोर्स को ओपन रखते हैं। ऐसे में क्या होता है आपके जो अननोन रिसोर्स से आपके जो डेटा है वो एप्लीकेशन है उसे आप डाउनलोड करते हैं, तो क्या होता है आपकी जो अननोन रिसोर्स है वो ईजिली बैकअप लेते हैं, अननोन रिसोर्स को बंद रखें। हेलो फ्रेंड, नेक्स्ट स्टेप्स है अननोन रिसोर्सेज। अननोन रिसोर्स को फ्रेंड आप अवॉइड करें, इसे बंद कर दें, सेटिंग में जाएं और अननोन रिसोर्स को बंद कर दें। इससे क्या होगा आपका अननोन रिसोर्स किसी से एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं होगी। और थर्ड नेक्स्ट है परमिशन, डू नॉट एप्लीकेशन परमिशन। आपको अगर ज़रूरत है किसी एप्लीकेशन यूज़ करने की तभी उस एप्लीकेशन परमिशन दें, वरना अवॉइड करें, नॉट अलाउ ऐप परमिशन। नेक्स्ट स्टेप है OS एंड ऐप अपडेट। क्योंकि हर कंपनी के हर महीने अलग अलग अपडेट आती रहती हैं, अगर ऐसे में आप अपने फ़ोन को अपडेट टाइम टू टाइम अपडेट नहीं करेंगे तो ऐसे में आपके बग्स हैं वो हावी हो जाएंगे आपके फ़ोन में, बग्स बहुत ही ज़्यादा हो जाएंगे और आपका फ़ोन हैंग हो जाएगा, हैंग होने लगेगा। तो ऐसे मोस्ट रिकमेंडेड है जैसी अपडेट आए कंपनी की तरफ से आप उसे अपडेट करें, ऐप्स और OS को अपडेट करें अपने फ़ोन को, ऐप्स को भी और ऐप को भी। तो मोस्ट अपडेट अपडेट टाइम टू टाइम अपडेट रखें, तभी आपका फ़ोन एकदम सिक्योर रहेगा। ये बग्स फिक्सिंग के लिए होता है। नेक्स्ट है डिफरेंट पासवर्ड। आजकल हम सोशल मीडिया फेसबुक और गूगल जीमेल इस तरह के अकाउंट हम यूज़ करते हैं, तो हमारे क्या होता है एक ही अकाउंट को हर जगह वो उस पर अपना अकाउंट एक ही पे यूज़ करते हैं। तो मोस्ट रिकमेंड करूँगा कि आप अपना डिफरेंट पासवर्ड यूज़ करें, डिफरेंट अकाउंट यूज़ करें। डिफरेंट पासवर्ड यूज़ करने का आप हो सकता है कि आप पासवर्ड भूल जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो आप क्या करें मैनेज पासवर्ड को यूज़ कर सकते हैं, जिसके द्वारा आप ध्यान रखेंगे कि आपको कोई भी अकाउंट हैक नहीं हो सके। तो डिफरेंट अकाउंट हैंडल। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट है डिवाइस बैकअप। गूगल ड्राइव का अब अपना सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपने डेटा को बैकअप ले लें गूगल में, अपने फ़ोन का बैकअप ले लें। इससे क्या होगा अगर आप फ़ोन कहीं भी आप जाते हैं या फ़ोन गिर जाता है, चोरी हो जाता है, तो उससे क्या होता है आप
फाइंड माई डिवाइस से आप अपना पूरा डेटा बैकअप ले सकते हैं, पूरा आपका डेटा आप स्टोर कर सकते हैं। सीखा होगा आपका डेटा चोरी वो नहीं होगा, लॉस नहीं होगा। तो फ्रेंड नेक्स्ट है चार्जिंग, पब्लिक प्लेस चार्जिंग। आजकल हम जाते हैं मॉल में जाते हैं तो हम चार्ज करने लगते हैं, तो ऐसे में क्या होता है आपके आप चार्जिंग तो लगा लेंगे लेकिन ऐसे में आपको जो डेटा है अब वो फिशिंग अटैक हो सकता है, आपके जो पूरा डेटा चुरा सकते हैं हैकर्स होते हैं, क्योंकि वो अटैक वो नज़र रख सकते हैं, नज़र रखते हैं ताकि कोई है तो नहीं जिसके द्वारा वो फिशिंग करते हैं मेल द्वारा। तो इसलिए मोस्ट डिवाइस के आप पब्लिक चार्जेस में अबाउट करें, वहाँ पब्लिक चार्जेस में ना चार्ज करें। अगर आपको चार्ज करना है अपना बैटरी तो आप एक पावर बैंक ले लें जिससे अपना बैटरी मोबाइल को चार्ज करें स्मार्टफोन को। नेक्स्ट स्टेप है नो नीड ऑफ एंटीवायरस ऐप। गूगल प्ले स्टोर से आजकल मतलब फ़ोन आपको एंटीवायरस इंस्टॉल कर लेते हैं, नॉट रिकमेंडेड योर डाउनलोड एंटीवायरस ऐप। आप मैं चाहता हूँ कि आप इस एंटीवायरस को एप्लीकेशन को डाउनलोड ना करें, इससे क्या होगा आप में पूरी कर सकते हैं, नॉट रिकमेंडेड योर डाउनलोड एंटीवायरस। तो इससे क्या होगा क्योंकि आजकल हर स्मार्टफोन में एंटीवायरस डिवाइस आते हैं एप्लीकेशन, कि अगर आप उसे डेटा को आप क्लीन करना चाहते हैं जैसे पीछे बैकअप में होता है तो आप उसको कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट रिकमेंडेड नॉट डाउनलोड एंटीवायरस ऐप। नेक्स्ट है यूज पासवर्ड। इससे क्या आप एक ऐसे नॉर्मल से पासवर्ड यूज़ करते हैं, नॉर्मल पासवर्ड आप यूज़ ना करें, इससे क्या होगा आपका मोबाइल ऐप नॉर्मली हैक हो सकता है। नॉट यूज ओनली पासवर्ड, ये मतलब आप यूज आप करेक्टर्स नंबर स्मॉल इस तरीका से पासवर्ड सेट करें ताकि आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बने, से आप हैकिंग के शिकार ना हो, आपका फ़ोन सुरक्षित रहेगा। नेक्स्ट है इनकॉग्निटो मोड। आजकल क्या होता है लोग सोचते हैं कि हम बहुत इंटेलिजेंट हैं और आप इग्नोर्ड एक इनकॉग्निटो मोड ओपन रखते हैं, इससे क्या होता है हमारी कोई चीज़ देख ही नहीं रहा है, क्योंकि आजकल स्मार्टफोन बहुत इंटेलिजेंट है वो सारी चीज़ देख दें, तो आपके इस चीज़ बचने के लिए नॉट सिक्योर इनकॉग्निटो मोड नॉट सिक्योर। तो आप क्या करते हैं टॉर का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका VPN नेटवर्क इस्तेमाल कर सकते हैं जिस द्वारा प्राइवेट नेटवर्क रहे आप ही देख सकते हैं और कोई नहीं देख सकता। नेक्स्ट है ऐड पर्सनलाइजेशन क्या होता है आप जो भी चीज़ सर्च करते हैं आपको वो देखता रहता है डेटा, तो ऐसे क्या होता है ऐड परमिशन को इनेबल कर दें, इससे क्या होगा आपकी जो भी आप देखेंगे वो ऐड नहीं शो करेगा, आपको कोई भी ऐड मोबाइल पर शो नहीं करेगा। अगर आप जैसे ऐड पर्सनलाइजेशन को ऑन रखेंगे तो आपके फ़ोन पर मेरे एड्स दिखेंगे, और एड्स को बंद करने के लिए पर्सनलाइजेशन को आपको इनेबल करना होगा, तो आपके पास फ़ोन में ये एड्स नहीं दिखेंगे। तो फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब ना करें, नीचे कमेंट करके बताएं हमें कि आपको हमारा वीडियो कैसे लगा। तो फ्रेंड ऐसे वीडियो मैं लाते रहूँगा, नीचे कमेंट करके बताएं कि हमें मोटिवेशन मिलता है कि लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है फिर बताएं कि आप अगले वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए, मैं आपका कमेंट का वेट करूँगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।